यार बहुत दिनों के बाद मस्त नींद हुआ। चलो अभी थोड़ा टीवी देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के फ्रैंकलिन का हो गया जेल और 2 दिन बाद होने वाला है उसका फांसी। क्या मेरा दोस्त फ्रैंकलिन का जेल हो गया? ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि सीधा फांसी का सजा? नहीं, मुझे उसे जेल से छुड़वाना होगा। चलो जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आ गया ड्रेस चेंजिंग प्लेस में और मुझे अभी पहले शर्ट सिलेक्ट करना है। हाँ ये सही रहेगा। चलो हो गया, लेकिन कुछ खाली खाली लग रहा है। हाँ चश्मा। चलो अभी चश्मा भी पहन लिया। अभी चलता हूँ फ्रैंकलिन को जेल से छुड़वाने। लेकिन बुढ़बा की रामलाल किधर गया? दोस्तों तो रामलाल मेरा घर का नौकर है और मेरा घर का सारा काम वही देखता है। वैसे तो वो कभी छुट्टी नहीं लेता, लेकिन पता नहीं आज कहाँ चला गया। रामलाल कहीं किचन में तो नहीं है? अरे नहीं यार, यहाँ पर तो नहीं है। कहाँ जा सकता है? जहाँ जाता है मुझे तो बोल के ही जाता है। अब इस घर का देखभाल कौन करेगा? और पता नहीं फ्रैंकलिन का क्या हो रहा होगा। सुना मेरे पलटन, ये है उस रामलाल का घर, उसे आज जिंदा नहीं छोड़ना है। ओके बॉस। गुड डॉन, तू इनका लीडर है, काम हो जाना चाहिए, ठीक है? ओके बॉस। आप बिल्कुल फिक्र मत करना। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे शेट्टी साहब को ठोकने जाना है। बुड़बक ने उधार लिया और पैसा वापिस नहीं किया। ओके बॉस। अरे रामलाल, अरे कहाँ चला गया? गड्डू भैया बोलिए क्या करना है। ओबे मेरे घर के बाहर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग कौन हो बे? और यहाँ पर क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? अब तू कौन है बे? मैं कौन हूँ? अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा तो रामलाल कहाँ है बता? क्या रामलाल, उसे तुम भी ढूंढ रहे हो? लेकिन तुम लोग क्यों ढूंढ रहे हो? उसके साथ हमारे बॉस के बेबी का चक्कर चल रहा है। हैं? रामलाल ये ऐसा कर सकता है, कभी सोचा नहीं था। हाँ अब जल्दी बता कहाँ पर है रामलाल। अरे आज तो वो काम पे ही नहीं आया, मैं भी तो उसे ढूंढ रहा था। अबे झूठ बोलता है, घर के अंदर जाके देखे क्या? अरे हाँ जाके देख लो, कोई नहीं मिलेगा। तो बुला उसको, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम लोग उसे मारने वाले हो? हाँ। तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। गड्डू भैया इसे ठोक दे क्या? मुझे ठोकेगा? ये ले। तेरी इतनी हिम्मत? ओ तेरी, हल्का डंडा लाया है। ये ले तू भी ले। अबे पलटन तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो बे? मारो इस हलकट को। ओके बॉस। ये ले देखो, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मेरे से पंगे मत लो। अबे चुप हलकट। यार मेरा तो अब दिमाग खराब हो रहा है। बुढ़बक दिमाग क्यों? तेरा बॉडी का सारा पुर्जा ढीला कर देंगे अभी। नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे एक्शन पे उतारना पड़ेगा। ये ले, ये ले, ये ले। ओबे ये तो बहुत मार रहा है। अरे नहीं ये तो एक एक करके हमें ठोक दे रहा है। अबे तो जोर से डंडे मारो। मुझे डंडे मारेगा? ये ले, ये ले। चारों खाने चीत, सब खत्म। ओ हो। लो भाई और एक जिंदा है, इसे तो गोली से फोड़ूंगा। अरे भैया मुझे माफ कर दो। ठीक है जा क्या माफ। ये ले। मेरा दिमाग जो खराब करेगा वो ऐसे पछताएगा। चलो अब जल्दी जाकर फ्रैंकलिन को जेल से छुड़वाते हैं, लेकिन उससे पहले टॉमी को बोल देता हूँ घर को संभालने के लिए। टॉमी सुन, आज रामलाल नहीं आया तो तू इस घर का देखभाल करेगा, मैं फ्रैंकलिन को जेल से छुड़वाने जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ? अच्छा तू भी जाना चाहता है? नहीं यार अभी नहीं ले जा सकता। अरे तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है? अच्छा घर में रहना है, एक काम कर तू यहीं बैठ जा। शाबाश बहुत अच्छे, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ। लेकिन बुढ़बक मैं किससे जाऊँ? हाँ थार से ही जाता हूँ। चलो खुल जा सिमसिम। खुल गया। अरे हाँ एक दिक्कत आ गया, अगर मैं इस थार से फ्रैंकलिन को जेल से भगाऊं और उसके बाद पुलिस हम पे गोली चलाया तो हमें गोली आसानी से लग जाएगा, इसीलिए सोच रहा हूँ कि एक नया कार खरीद लूँ। चलो कहीं कार शोरूम है तो ढूंढता हूँ, मुझे तो नहीं पता कहाँ पर है क्योंकि मैं शहर पे नया हूँ। चलो किसी से पूछते हैं। हाँ इसे पूछता हूँ। ओ भैया। अबे हलकट ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कार से उतर के बोलता हूँ। अरे भैया। क्या हुआ भाई साहब? बोल रहा हूँ कार शोरूम किधर है? वो आगे जाकर टाइम मोड़ जाना। अरे थैंक यू भैया। चलो शोरूम का पता लग गया, अभी जल्दी चलते हैं। वो तेरी यहाँ पर तो बस भी चलता है, वो ट्रक भी, क्या बात है काफी बढ़िया शहर है। ये बाइक पे कौन जा रहा है? कोई जाना पहचाना लग रहा है। अरे हाँ ये तो रामलाल है। ओए रामलाल रुक। रामलाल यार ये तो सुन ही नहीं रहा है। चलो सिग्नल आ गया, अब जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता हूँ। रामलाल। अरे मालिक मुझे माफ कर दो। अबे रुक तो, बुढ़बक भाग गया, आज तो तुझे पकड़ के ही रहूंगा। यार ये तो इसी रास्ते से भागा था, कहाँ चला गया? अरे दिख गया वो तो उल्टी साइड में। अब उल्टी साइड में कैसे जाऊंगा, जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ यहीं से ऊपर चला जाता हूँ। चल थार दिखा दे अपना कमाल। अरे 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 उलटना मत, उलटना मत। चलो हो गया, अब हलकट कैसे भागता है देखता हूँ। रामलाल के बच्चे मुझसे भागता है। बहुत भाग रहा था ना, अब भाग गया। ए, रुक अबे सुन तो, हलकट पकड़ लिया। अरे मालिक। हाँ अब बता भाग क्यों रहा था? वो मालिक मैंने गुड्डू डॉन के पत्नी से शादी कर लिया और इसीलिए गुड्डू डॉन मेरा पीछा कर रहा है। क्या शादी भी कर लिया? हाँ भैया अब मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ।
अरे तू फिकर मत कर, वो गुड्डू डॉन तेरा बाल भी भगा नहीं कर पाएंगे। कल से चुपचाप काम पे आ जाना, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगा। ओके साहब, वैसे आप यहाँ पर? मैं तो कार शोरूम जा रहा था। अरे कार शोरूम वो तो सामने ही है। कहाँ पर? चलो मैं दिखाता हूँ, ये देखो साहब। अरे हाँ, थैंक यू रामलाल, तू जा अब। ओके साहब, चलो शोरूम आ गया, अब एक नया कार परचेस करता हूँ। हाँ ये वाला सही है, लेकिन और क्या क्या है देखता हूँ। यार यहाँ तो बहुत कुछ है, एक काम करता हूँ इसको ही ले लेता हूँ। चलो परचेस को दबाता हूँ। हाँ हो गया, अब मुझे इस एरो को फॉलो करके जाना है। लगता है कार शोरूम के बाहर है। अरे हाँ यहीं से लेना होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अरे हाँ हाँ थैंक यू। चलो अब फटाफट फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। ओ, अरे सॉरी भैया, गलती से लग गया। बाल बाल बच्चा, अभी एक्सीडेंट होते होते बच गया। यार मुझे तो नींद आ रहा है। अरे सॉरी सॉरी भैया। अबे ससुरा अंधा है क्या? अरे नहीं, यहाँ से भाग जाता हूँ बाबा। ओपे ओपे ओपे, सामने तो समुंदर है, अभी घुस जाता अंदर। गाड़ी घुमाता हूँ बाबा। अरे 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 यार ये क्या हो गया, मैंने किसी को गाड़ी से कुचल दिया। अब तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएंगे। धत तरीकी, फ्रैंकलिन को बचाना है मुझे, मुझे ना पकड़ के जेल में डाल दे। लो क्या मुसीबत है, ये आ भी गया। चलो इस गार्डन के अंदर से जाता हूँ, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आएगा। अरे यार ये क्या है? हमसे भागेगा, चल उतर गाड़ी से। अरे पुलिस हो? बात है नहीं, चल पुलिस थाने। अरे सुनो तो मेरा बात। अच्छा ठीक है, बोल बोल। वो मैंने गलती से ठोक दिया था उस लड़के को। अरे गलती से हो या जानबूझ के, अगर कुचला है तो जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हवलदारो इसके पिछोड़े पे डंडे मारो। ओके साहब, ये लो। अरे अरे देखो मुझे छोड़ दो। अरे आ यार फ्रैंकलिन, लगता है तुझे जेल में ही सड़ना पड़ेगा, और मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। अरे साहब इसका तो कुछ नहीं हो रहा है, तब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पुलिस हो, फायर फायर। ओबे गोली मत चला, लग रहा है आटा मची सड़क ली। अब तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तोप से उड़ाऊंगा सबको। ये ले, बताया था अब पड़े रहूं यहाँ पर। चलो फाइनली पुलिस को ठोक दिया, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे शहर के सारे पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अरे ये किसका कॉल आ रहा है? भाई मैं फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन तू जेल से कैसे निकला? अरे मैं जेल में ही हूँ। अरे फोन कहाँ से मिला? वो एक पुलिस वाले के जेब से निकाल लिया। अबे तू तो चोर निकला। ठीक है अब जल्दी आ जा, मुझे जेल से छुड़ा ले, यही मौका है। यही मौका है मतलब? मतलब पुलिस स्टेशन में अब कोई पुलिस नहीं है, सारे पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ने गए हैं। सारे पुलिस मुजरिम को पकड़ने निकल गए? ऐसा कौन सा मुजरिम है? अरे है कोई, कुछ पुलिसों को ठोक दिया तोप से। हैं? पुलिसों को ठोक दिया? अरे नहीं। क्या हो भाई? अरे पुलिस जिसको ढूंढने गया है वो मैं हूँ। हैं? अरे 100 पुलिस जा रहा है तुझे ढूंढने। अरे हाँ अब मैं क्या करूँगा? दोस्तों आखिरकार हमारा मुन्ना भैया का क्या होगा? क्या 100 पुलिसों से बच पाएगा? और क्या फ्रैंकलिन जेल से छूट पाएगा? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। ज्यादा कमेंट हुआ तो वीडियो के पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा।